नमस्कार दोस्तों, डीके थ्योरी एंड डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप जानते ही है, मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइन लाते रहता हूँ। तो स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह वो प्लान है जो आज हमने आपके लिए लाया है, जिसका डिटेल मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। देखिए, प्लॉट जो है, प्लॉट का साइज़ आप पहले समझ लीजिए। लेकिन इससे पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह अभी दबाइए, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देखिए, प्लॉट का साइज़ जो है 34 फीट जो है फ्रंट है और 45 फीट जो है हमारा लेंथ है। ठीक है, 34 फीट बाय 45 फीट का यह पूरा प्लॉट का एरिया है, जिसमें देखेंगे तो ये जो है इस साइड में दूसरों की प्लॉट है, इस साइड में भी दूसरों की जगह है और ये जो है इस साइड में भी दूसरों की जगह है। मतलब तीनों साइड जो है हमारी पैक है, मतलब दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी है और हमें जो है सिर्फ इस रोड की तरफ से हमारी फ्रंट जो है ओपन रहेगा। तो ये जो है आउटर वॉल जो है हमने 9 इंच की लिए है और इनर वॉल जो है हमारी 4 इंच की है। मतलब आउटर वॉल जो है, मतलब बाहर की वॉल जो है हमारी 9 इंच की है और अंदर की वॉल जो है 4 इंच की है। और ये जो है इस साइड में 2 फीट का ऑफसेट छोड़ा गया है वेंटिलेशन के लिए, ये भी इस साइड में भी लगभग 2 फीट 3 इंच का ऑफसेट छोड़ा गया है और ये जो है इस साइड में भी 2 फीट 3 इंच का ऑफसेट छोड़ा गया है। रोड से हम एंट्री करते हैं तो देखिए, हमारा मेन गेट यहाँ पे रहेगा। इस गेट से हम एंट्री करते हैं तो हमें पार्किंग का एरिया मिल रहा है। 11 फीट 7 इंच बाय 13 फीट 8 इंच का यह पार्किंग का एरिया है, तो काफ़ी बढ़िया एरिया मिल रहा है। इसमें देखेंगे तो देखिए, हमारी कार तो आराम से पार्क हो सकती है, उसके बाजू में एक बाइक भी आराम से पार्क हो सकती है। उसके बाद भी देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे भी गार्डन के लिए एक छोटा सा एरिया दिया गया है, लगभग 6 फीट का एरिया है, तो काफ़ी बढ़िया एरिया है। यहाँ पे हम छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं या लॉन वगैरह लगा सकते हैं। बाद में एंट्री करेंगे स्टेप से इस वरांडे पे। देखिए, यहाँ पे जो वरांडा है, इस वरांडे से हम एंट्री करेंगे लिविंग रूम में। लिविंग रूम का साइज़ जो मिल रहा है हमें 20 फीट 3 इंच है, लगभग यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में 13 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक है। मतलब काफ़ी बढ़िया एरिया है, काफ़ी बड़ा हॉल है ये। लिविंग रूम पन कम डाइनिंग भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि स्टेयरकेस भी इसमें ही एडजस्ट किया गया है और डाइनिंग भी यहाँ पे हमारा एडजस्ट हो सकता है। और किचन भी देखेंगे तो ओपन किचन है। तो लिविंग रूम का साइज़ जो है काफ़ी बढ़िया है, 20 फीट 3 इंच है यहाँ से यहाँ तक और 13 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक है। और ये जो स्टेयरकेस है फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने के लिए, देखेंगे तो लिविंग रूम में ही स्टेप दिए है, स्टेयर दिया है, यहाँ से स्टार्ट होगी और यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, मतलब इस स्लैब पर पहुँच जाएंगे और ऊपर इस यहाँ पर हमारी ऊपर एंट्री होती है। तो ये जो स्टेयरकेस है, इसके नीचे का जो पोर्शन है हम अंदर से यूज़ कर सकते हैं। इस लिविंग रूम को देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो हम लगा सकते हैं ताकि यहाँ लिविंग रूम को यहाँ से वेंटिलेशन मिल सके। और यहाँ पे जो है हमारा डाइनिंग टेबल एडजस्ट होता है। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए, हमारा किचन दिया गया है, ओपन किचन भी हम इसे कह सकते हैं। 9 फीट 5 इंच बाय 11 फीट का है, लगभग 11 फीट यहाँ से यहाँ तक है और 9 फीट यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 11 फीट बाय 9.5 फीट का यह किचन है। यहाँ पे एक विंडो दिया गया है तो काफ़ी बढ़िया, इससे वेंटिलेशन मिल सकता है। और ये जो इस साइड में भी आप छोटा सा विंडो आप लगाना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप लगा सकते हैं। इस किचन को एक डोर दिया गया है इस साइड में, ये जो वॉश एरिया दिया गया है, मतलब यूटिलिटी दी गई है, तो यहाँ पे हम बर्तन वगैरह धोने के लिए यह जगह यूज़ कर सकते हैं या तो कपड़े वगैरह सुखाने के लिए भी यह जगह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक डोर दिया गया है और जो बर्तन धोने वाली जो भी लेडीज़ है हमारी, वो यहाँ से ही बाहर से ही आएगी और यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के यहाँ से ही वापस चली जाएगी। मतलब उसकी एंट्री जो है घर में नहीं होगी, वो बाहर से ही वो अपना काम करके निकल जाएगी। और उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे बाथरूम और टॉयलेट का पोर्शन दिया गया है। 4 फीट बाय 3 फीट का एक टॉयलेट दिया गया है और 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का एक बाथरूम दिया गया है। और इन दोनों को वेंटिलेटर पीछे की साइड में दिए गए हैं, क्योंकि इस साइड में हमने 2 फीट का ऑफसेट छोड़ा है। तो ये जो ऑफसेट छोड़े गए हैं, यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे स्लैब डालने की गलती कर देते हैं, क्योंकि बाजू में जो है दूसरे की जगह है, दूसरा का प्लॉट है, तो उनका जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से उन्होंने वॉल खड़ी कर ली, हमारे वॉल को लग के, बाउंड्री को लग के, तो हमारा पूरा वेंटिलेशन दब जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे घर में पूरा अंधेरा हो जाएगा और हवा भी नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे स्लैब नहीं डालते हैं, ये आप ध्यान रखिए। ये जो ओपन हमने पैसेज छोड़ा गया है, यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे हमारा एक बेडरूम दिया गया है, 11 फीट 4 इंच बाय 10 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है। काफ़ी बढ़िया साइज़ है, लगभग 11.5 फीट बाय 10 फीट का। और इस बेडरूम को देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो हमने दिया है, तो काफ़ी बढ़िया इससे वेंटिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि 2 फीट का ऑफसेट हमने छोड़ा है। यह ओपन जो है, यहाँ से हमें बेडरूम को वेंटिलेशन मिल सकता है। और पीछे की साइड में भी आप एक विंडो लगा सकते हैं, क्योंकि पीछे की साइड में भी हमने जगह छोड़ी है, तो यहाँ पे से भी इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल सकता है। लास्ट में देखेंगे तो देखिए, हमारा एक मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे 11 फीट बाय 12 फीट का इस मास्टर बेडरूम का साइज़ है, काफ़ी बढ़िया साइज़ है।
इसको जो देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, लगभग 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का इस अटैच टॉयलेट बाथरूम है। और इसको वेंटिलेटर यहाँ पे दिया गया है क्योंकि इस साइड में हमने अपसेट छोड़ा है, तो यहाँ से इस टॉयलेट बाथरूम को वेंटिलेशन मिल सकता है। और इस बेडरूम को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक डोर दिया गया है, ये जो जगह है ये जगह यूज़ कर सकते हैं, ये गैलरी करके यूज़ कर सकते हैं, इस बेडरूम से ये जगह यूज़ कर सकते हैं। और एक विंडो यहाँ पे भी दिया है, तो इससे काफ़ी बढ़िया इसको बेडरूम को वेंटिलेशन मिल सकता है। और लास्ट में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है, 12 फीट 5 इंच बाय 12 फीट का इस बेडरूम का भी साइज़ है, 12.5 फीट बाय 12 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है, काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और इसको जो है चिल्ड्रन बेडरूम भी हम कर सकते हैं, या तो आप गेस्ट बेडरूम कर सकते हैं, गेस्ट रूम भी कर सकते हैं। इसको जो है एक विंडो इस साइड में दिया है, यहाँ पे हमारा गार्डन रहेगा तो काफ़ी बढ़िया इससे वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो इस टाइप में पूरा 34 फीट बाय 45 फीट का यह 3 बेस के प्लान हमने बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये डिटेल में समझ में आया है और पसंद भी आया है। तो इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं, और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और बाजू में जो बेल का आइकन है वह दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।